नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्या लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। गोस्पदी कृतबारी सम्मस्की कृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वंदे अनिलात्मजं अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरं। लालो देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीशूर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर और तुम्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर यह सब है नंद किशोर यह सब है नंद किशोर। बोलो रामचंद्र भगवान की, श्री बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, पावागढ़ वाली अम्बा मैया की, नवनाथ मंदिरों की, बड़ोदरा की यह पावन भूमि की, बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की, विश्वामित्री मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की, विट्ठल नाथ महाराज की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने मात पिता के चरणों की, गुजरात के पागलों की, बड़ोदरा के पागलों की, शाम जो 4 बजे से बैठे धूप में के गुरु जी अब आ रहे अब आ रहे अब आ रहे हम आगी के लगे अब आए, तो जितने भी 4 बजे के बैठे सभी पागलों की, सनातन धर्म का सहयोग करने वालों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सनातन धर्म का विरोध करवे बालन की भी, नमः पार्वती पते हर 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 हर। साधु जी, अरे ओ साधु जी, अरे जोर से बोलो सीताराम। साधु जी तमे केम छो, मजा मा, खूब सहस छे, हा बधा बेसी जाओ, बधा नु बेसी जाओ, बेसी जाओ, बेसी जाओ, बधा नु धीरे धीरे बेसी जाओ। हम भी गुजराती बोल लेते हैं, आप समझते का हो। हमको भी थोड़ा थोड़ा गुजराती आने लगा है, बढ़िया आ रही ना। बधा नु बेसी जाओ, तमें बेसी जाओ, बेसी जाओ, हाँ बेसी जाओ। आज बड़ोदरा की यह पावन धरती, जिस पावन भूमि पर हम आप विराजमान हैं, सियाजी राव गायकवाड़ राजा की यह भूमि, प्राचीन सनातन नगरी विश्वामित्री नदी के किनारे पर बसा हुआ यह नगर महानगर, जिसे वीरों की भूमि वीर क्षेत्र भूमि कहते हैं, और इस महानगर का नाम है बड़ोदरा, और बड़ोदरा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि विश्वामित्री नदी के किनारे
वट वृक्ष बहुत पाए जाते थे, इसलिए इस नगर का नाम वटप्रद, वटपात्रा, बाद में अभ्रंश होकर के इसका नाम बड़ोदरा पड़ गया है। बट का मतलब बरगद और बड़ोदरा के पागलो, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, बरगद का वृक्ष हजारों लाखों साल तक चलता है, उसे ना तो कोई उखाड़ पाता ना कोई मिटा सकता, और यहां के हिंदुओं को भी ना कोई उखाड़ पाएगा ना कोई मिटा पाएगा। बरगद की जड़ों में बड़े बड़े गज बंधे रहते, गज का मतलब हाथी, बरगद की जड़ों में बड़े बड़े गज बंधे रहते। इस महानगर बड़ोदरा में बड़े बड़े दिग्गज भी डले दिखाई पड़ेंगे जो सनातन विरोधी होंगे। ऐसी पावन भूमि के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और यहां की रज वीरता की रज है, यहां की रज वीरों की रज है, यहां की मिट्टी वीरों की मिट्टी है, संतों का नगर है, प्राचीन सनातन का नगर है, हिंदू राजा के द्वारा बसाया हुआ नगर है। ऐसे सयाजीराव गायकवाड़ महाराजा की इस भूमि को प्रणाम करते हुए आज के दिव्य दरबार के लिए बालाजी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। आज के दरबार के पूर्व में कुछ बात करने के पहले मेरे पागलो, तुम्हें खैर पता लग ही गया होगा कि आज का दिन भारत का एक राज्य उड़ीसा, उड़ीसा में जो बालासोर का ट्रेन का कांड हुआ वो बड़ा ही दुखदाई है, जिससे हमारे हृदय को बहुत पीड़ा पहुंची है, मन बड़ा व्यथित है। लगभग 280 लोगों से ज्यादा लोगों का शरीर दिवंगत हुआ है और बहुत से लोग अस्पताल में हैं। पहली अर्जी हम यही लगाएंगे कि जो अस्पताल में है बालाजी और सन्यासी बाबा उनको निरोगी कर दे। बहुत से पत्रकारों ने हमको दिन में पूछा कि क्या आपको भारत में घटने वाली घटनाओं के बारे में पता लगता है, क्या आपकी शक्ति भारत में घटने वाली घटनाओं के बारे में संकेत कर पाती है। प्रश्न सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। हमें उन यहाँ के पहली बात तो पत्रकार बहुत ही सभ्य, बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही सनातन के सपोर्टर हैं। एक बार यहाँ की भारत की चतुर्थ स्तंभ मीडिया है और मीडिया सत्य का प्रचार करके जानती है, ऐसी मीडिया की भूमिका निभाने वाले सभी साधु जनों को हम अपनी पीठ से मंगल कामना करते कि हमारे इष्ट हनुमान जी कृपा करें कि तुम्हारे जीवन में सद्बुद्धि बनी रहे और तुम्हारी अलाय बलाय आज से ही बालाजी के चरणों में बंध जावे। एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि क्या आपकी शक्ति कोई बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है। माय डियर, ठठरी के बरे तो कहेंगे नहीं, माय डियर प्यारे, यस। फिर आप कहोगे कि बोलते क्यों नहीं हो, जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। जानना बात अलग है, उसको टालना बात अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? जानना अलग है, टालना अलग है। हां, लेकिन हम प्रतिदिन अर्जी अपने इष्ट के चरणों में लगाते हैं कि कोई भी अमंगल इस राष्ट्र का ना हो, पूरी दुनिया का मंगल हो, राष्ट्र का मंगल हो। फिर आप कहोगे कि आपकी चेतना या आपकी शक्ति क्या संकेत दे सकती है? जो संकेत दे सकती, कहां तक दे सकती? जहां तक पवन की गति है वहां तक संकेत मिल सकता है दरबार से, क्योंकि ये दरबार पवन पुत्र का है।
फिर आपके मन में बहुत से प्रश्न और कौतुक करने लगे होंगे, तो मैं प्रार्थना करूं कि बहुत बार हमने राष्ट्र के लिए अर्जी लगाई, बहुत बार देश के लिए अर्जी लगाई, और बहुत से दिल्ली से लोग अनेक अनेक विषयों से संबंधित, चाहे वो वैज्ञानिक पद्धति की रिसर्च पर हो अथवा भूमिगत जल स्रोत की रिसर्च पर हो अथवा फिर साइंटिस्ट वैज्ञानिक मार्ग में आने वाले लोग हों, बहुत से लोग प्रायः गोपनीय तरीके से हमारे पास आते हैं और हम बताते भी हैं, और ये भी कह सकते हैं कि जब जब हमारे राष्ट्र को हमारे सदगुरुदेव सन्यासी बाबा की शक्ति की जरूरत पड़ेगी, हम राष्ट्र हित के लिए, चाहे वो आतंकी हमला हो, चाहे वो कोई छुपी हुई बात हो, जितना बल है उस बल पर बिल्कुल हमेशा अपने राष्ट्र के लिए अपनी शक्ति का सदुपयोग करेंगे। लेकिन मांगने से बिना रोए बालक को मां भी दूध नहीं पिलाती, उसी प्रकार जब तक कोई हमारे पास आएगा नहीं, जब तक अर्जी बालाजी के चरणों में लगाएगा नहीं, हम किसको मार्गदर्शन दे दें और कौन हमारी सुनने वाला। इसीलिए जो आता है उसकी हम अर्जी लगाते हैं, अब वो चाहे निजी पूछे या राष्ट्र की। इसलिए बालस और जो ट्रेन का हादसा आज हुआ, 2 मिनट उसके लिए मौन धारण हम लोग यहाँ करें, इसके बाद दरबार की ओर बढ़ेंगे। तो सब लोग वहीं बैठे हुए हनुमान जी महाराज को प्रणाम करिए, बालाजी को प्रणाम करिए, और सब लोग बोलिएगा बैठ जाओ सब। आप अगर हमें मानते हो तो बैठ सी जाओ, तमें नक्कटा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। सब लोग प्रणाम करो, सब लोग हमारे साथ बोलो, ओ शांति ही, शांति ही, शांति ही, शांति। हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते कि जितनी दिवंगत आत्माएं हैं उनको भगवान के चरण प्राप्त हो गए, और जो अभी वर्तमान में अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटल में हैं, हम सन्यासी बाबा से प्रार्थना करेंगे कि सेना वहां पर जावे बालाजी की, और वो शीघ्र स्वस्थ हो जावे। श्री नवदुर्गा शक्ति गरबा समिति के तत्वावधान में हमारे बड़े ही प्रिय कमलेश परमार जी एवं अध्यक्ष साहब डॉक्टर विजय साहब जी, उनकी पूरी टीम ने जो व्यवस्था की है, एक बार उनको साधुवाद दे दीजिएगा आप लोग। हमारे कमलेश परिवार और डॉक्टर साहब सबकी इच्छा थी, विजय साय जी की और कमलेश की, कि गुरु जी आप आओ, और हम आखिरकार एक दिन के लिए बड़ोदरा में पागलों को जगाने चले ही आए। दरबार तो बहाना है, असलियत में तुम सबको बालाजी का बनाना है। मेरे पागलो, तुम एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, और शायद ये बात कोई तुमको कह पाए या ना कह पाए, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, ना पर्चा से तुम्हारे काम सफल होना है,
पर्चा सिर्फ एक माध्यम है, हनुमान जी की चर्चा से तुम्हारे काम सफल होना है। इसलिए तुम्हें अगर पढ़ना ही है तो तुम हमारे चक्कर में मत पढ़ो, पढ़ना ही है तो बालाजी के चक्कर में पढ़ो। और लोगों ने हमसे पूछा कि आप दरबार क्यों लगाते हो और जगह जगह क्यों जाते हो? ना तो हमें दान चाहिए, ना मान चाहिए, ना हमें सम्मान चाहिए, हमें तो बड़ोदरा के लोगों तुम्हारे दिलों में हनुमान चाहिए, ताकि तुम्हें भटकना ना पड़े, ताकि तुम्हें अब जगह जगह दरबारों में माथा ना पटकना पड़े, ताकि भोले भाले सनातनीय हिंदुओं को तथा कथित हलीउल्लाह जैसे मजहबों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। और हम भारत के लोगों को बहुत स्वाभिमान के साथ कहते हैं, वर्तमान में किसी एक जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा, पत्रकार ने, कि आप भारत को देना क्या चाहते हो? हमने कहा, माय डियर नक्कटा, भारत में आज तक तथा कथित लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, घिसी पिटी बातें, झूठा धंधा, झूठा डर, झूठा भय। हमने कहा आज तक सिर्फ भूत पकड़ाए हैं, लेकिन हम इन भारत के लोगों को भगवान पकड़ा कर जाएंगे। भगवान का मतलब सकारात्मकता, नित नई ऊर्जा, भगवान का मतलब नित्य प्रसन्नता, भगवान का मतलब एक दर पर जाने के बाद फिर किसी दर पर जाने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए मेरे माई बाप, एक बात तुम याद रखो, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या फिर आज से अभी से हमेशा के लिए हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। मरता है बीच का बीच, अमीर और गरीब दोनों कभी नहीं मरते। अमीर को कोई टेंशन नहीं चाहे सूखा पड़े चाहे गीला, गरीब को कोई टेंशन नहीं अगर फैक्ट्रियां चलानी है तो मजदूरी करनी। मरता बीच का आदमी है, अमीर बन नहीं पाया, गरीब हो नहीं सकता। इसलिए भक्ति और धर्म और अध्यात्म में भी वही व्यक्ति मरता है, याद रखना। उस स्त्री को पतिव्रता कहते हैं जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन भी ना करे, उसी प्रकार उसी को सच्चा और कट्टर सनातनी हिंदू कहते हैं जो अपने धर्म के अलावा किसी दूसरे की तरफ ना देखे। और मेरे पागलो, हम तुम्हें जगाने आए हैं, जब तक तुम जाग नहीं जाओगे हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभी दरबार के लिए आए, अगली बार कथा के लिए आएंगे। तुम नहीं जागोगे हम तुम्हारे घर पर संस्कार टीवी पर आएंगे। तुम हमको देखना बंद कर दोगे, चैनल बदल लोगे, ढिस्को लगा लोगे, फलाना बदनाम हुआ ठिकानों के लिए ढिंचिक ढिंचिक, तब भी हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हारे मोबाइल में यूट्यूब पे घुस आएंगे। तुम मोबाइल चलाना छोड़ दोगे हम तुम्हारी फेसबुक में अपने आप प्ले हो जाएंगे। तुम वो भी बंद कर दोगे फेसबुक भी, हम तुम्हारी रील में घुस आएंगे। तुम वो भी देखना बंद कर दोगे हम तुम्हारे सपने में आएंगे। अंत में तुम भी कहोगे चलमन बागेश्वर धाम, सन्यासी बाबा की। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, सनातन के तीन मंत्र हम बड़ोदरा को देंगे, पूछो क्या क्या। पहला तिलक, दूसरा घर के बाहर झंडा, और तीसरा हर मंगलवार को अपने बच्चों को लेकर मंदिरों पर जाना प्रारंभ कर दो। दुनिया की कोई ताकत हमारे धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठा सकती। और उस जिस दिन आप ये प्रारंभ कर दोगे, बड़ोदरा के जिस दिन 40% लोग मस्तक पर तिलक लगाकर अपने घरों के बाहर झंडा टांग देंगे, उसी दिन तुम देखना
बसों पर, ट्रेनों पर, ऑफिस में काम करने वाले बिजनेसमैन जिनके मस्तक पर तिलक होगा, भारत हिंदू राष्ट्र अपने आप घोषित हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। युवाओं की नगरी बड़ोदरा, और हम युवाओं को कहेंगे कि अगर आपको तेजस्वी बनना है तो ध्यान की ओर जाओ, मेडिटेशन, ध्यान करो। तेज बरकरार रखना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। बहुत हो गई राम की रोने की कथाएं, अब राम की वीरता की कथा की आवश्यकता। बहुत हो गई कृष्ण की बंसी की बातें, अब महाभारत का वो चक्र सुदर्शन याद करने की आवश्यकता। बहुत हो गई टीवी पर आने वाले इन हीरो की बातें, अब राष्ट्र की रक्षा करने वाले सच्चे वीर हीर जो सच्चे हीरो हैं उन सैनिकों की बात करना जरूरी है। इसलिए मेरे पागलों, बहुत व्यर्थ समय गवा लिया, आप जाग जाओ। अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे, तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और तुमको तोड़ने के लिए विदेशी संपदाएं लगी हुई हैं, जो तुम्हारी बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर हमारी भोली भाली बहनों को ले जाते हैं और उसकी बोलियां लगती हैं, ऊपर से उनको फंड मिलते हैं। जिस कास्ट की बहन, जिस लेवल की बहन, जिस संपन्न परिवार की बहन, उतने लाख रुपए उनको मिलते हैं लव जिहाद के नाम पर। अब बहुत हो गया, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादित बातें बोलते हो। हम विवादित बातें नहीं बोलते, हमें सनातन हिंदुओं का दर्द पता है। हम देख रहे हैं कि आने वाले 10 साल में, लोग कहते हैं आपके पास शक्ति हो, इसी कारण से तो हम बोल रहे हैं कि आने वाले 10 साल में राम की कथा बंद हो जाएगी, मंदिर जाना बंद हो जाएगा, हमारी बहनों का घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। इसलिए अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, नहीं तो अपना बोरिया वस्त्र बांधो जाओ। अगर किसी को हमसे जलन है तो बरकरार रखो, झंडूबाम हमसे ले जाना। और लोग हमसे कहते तुम्हें डर नहीं लगता, हमने कहा ठटरी के भरे, गीदड़ भपकियों से नहीं डरते हैं। किसी ने कहा आपके ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, इतने प्रपंच लचे जा रहे हैं, आप क्या करोगे? याद रखना मेरे पागलों, हम मरते मर जाएंगे पर घर घर धीरेंद्र बना करके जाएंगे। और तुम कितने धीरेंद्र को मारोगे, तुम कितने धीरेंद्र कृष्ण को फंसाओगे, तुम कितने बागेश्वर धाम को विवादों में घेरोगे, हम घर घर धीरेंद्र कृष्ण बना करके जाएंगे। इसलिए अब बहुत बातें हो गई, अब मोबाइल से बहुत तुमने खेल लिया, अब गेम बहुत खेल लिया, अब तुम्हें घर के बाहर निकलना पड़ेगा। कायरों की भांति घर में नहीं छिपना पड़ेगा, अब ती शेरों की भांति तुम्हें बीच सड़क पर खड़े होकर भारत हिंदू राष्ट्र हो ऐसा ललकारना पड़ेगा। बोलो जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। एक बात बोले, आज दरबार तो हम लगाते ही, अच्छा बहुत देर तक दरबार लगाएंगे, जल्दी तो नहीं, पर्चा भी खोलेंगे, चिंता मत करो। कुछ लोग तो इसलिए बैठे, बताओ तो, हम 4 बजे से बैठे, एक तो भाई साहब 8 बजे आए हैं, ऊपर से प्रवचन सुना रहे, पर्चा खोलो, पर्चा हमारे बाप का नाम बताओ। कई लोग तो जो कह रहे, और तो सब ठीक है, दफ्ती भर ले, पर्चा नहीं बना रहे, बुलाओ। बात तुम्हारी ठीक है, तुम्हारा ठीक है, लेकिन हमें भी अपना काम करना है, क्योंकि पर्चा तो बहाना है, हमें चुना है बालाजी ने, वो बात अलग है, लेकिन चुना ही इसीलिए कि घर घर राम हो, हमें चुना ही इसीलिए, वरना हम ऑफिशियली जिंदगी भी जी सकते थे, जहां बैठते वहीं चमत्कार दिखाते, और ऐसी कोई गली नहीं जिसमें बालाजी की चली नहीं, ऐसी कोई गली नहीं। अरे बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, खुद पोल खुलवा कर गए। और क्या देसी क्या विदेशी, अब तो अंग्रेज भी जय बागेश्वर धाम। जो अंग्रेज दिन ना रात हाउ डू यू करते थे, और हमने जब 3-4 चमत्कार दिखाए डेकाडोन के, हाँ वो भी बोले दिस इज मैन वेरी पावरफुल, तब हमने उनको कहा आई एम नॉट पावरफुल माई डियर, बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल।
का नाचा हो रहा जो तो सीटी बजा रहा, डांस थोड़ी हो रहा जो सीटी बजा रहा, न कटा इधर आइए, इधर 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 ये पकड़ो, सीटी बजा रहा हूं काय में लोग आइया, सीटी बजा न कटा चुप, अरे मोरो पकला मोरो पकला, खुश रहे खुश रहे खुश रहे। तो प्रजा की अर्जी तो लगनी ही है, लेकिन हम कुछ बताना चाह रहे हैं, हम लिख के ले आए, कहो तो सुनाए। किसी के शोर से भारत का बंधन रुक नहीं सकता, जब तक खून है मेरी जान में हलचल सनातन का झुक नहीं सकता। अब भारत के सब संत इकट्ठे हो चुके हैं, सभी हिंदू एक हो चुके हैं, यहां देखो सब गुजरात के बड़ोदरा के सभी महात्मा एक मंच पर बैठे हुए हैं, ये भी मानो ये नौ न्योता दे रहे हो। अब न्योता की जरूरत नहीं है, अब सनातन के लिए बिना न्योता के बाहर निकलने की जरूरत है। देखो धर्म के लिए बुलावा की आवश्यकता नहीं पड़ती, धर्म के लिए तो जिनका खून सनातन का होता वो अपने आप निकल आता है, और जिनका खून ही खराब हो क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों को तो करेला का जूस पिलाओ खून साफ हो जाए। वो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे जो, क्योंकि उनकी धर्म की शिक्षा है, दूसरे मजहब के जो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं उन्हें टेंशन नहीं है, उनकी टेंशन भी मत लो, वो उनकी धर्म की शिक्षा है। लेकिन अगर हिंदू ही हिंदू का विरोध करे तो समझो खून की खराबी है, खून में गड़बड़ है। जो हिंदू ही हिंदू का, अब जातवाद से ऊपर उठो, धर्म धंधा नहीं है, धर्म पाखंड नहीं है, सनातन धर्म जैसा पवित्र और इसकी शक्तियों का सामना दुनिया का कोई नहीं कर सकता है, और उसका एक डेमो बागेश्वर धाम ही है, एक डेमो तो बागेश्वर धाम ही है। हम ये घोषणा के साथ कहते हैं, हर जगह कहते हैं, यहां भी कहते हैं, यहां भी या कहीं भी, टीवी के माध्यम से तो देख ही रहे होंगे, सनातन धर्म के शक्ति संपन्न संतों को छोड़कर भारत के किसी भी मजहब शक्तिवान की ताकत नहीं है सनातन धर्म के बागेश्वर धाम के दरबार का सामना करने की। हाँ इतना, अगर वो आएगा तो पेंट गीला होकर के ही जाएगा, ये हमारी क्षमता नहीं, लेकिन हमें अपने बालाजी पर और अपने सन्यासी बाबा पर भरोसा है, क्योंकि हमारे हनुमान जी संकट मोचन, अति बलवाना राम दूत अतुलित बल धाम है। हाँ ये हमारा बल नहीं, हमारे बालाजी का बल है, जो कहते भगवान नहीं होते, जो कहते दिव्य शक्तियां नहीं होती, जो कहते ये सब कपोल कल्पना और झूठ है तुम्हारी ठठरी, आ जाओ कभी सामना करो, हम इतना बताएंगे तुम्हारे बारे में, इतना बताएंगे तुम अपनी लुगाई को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। हाँ फिर बाद में तुम कहो गुरु जी हमारी पोल खुल गई, कल हमने अभी परसों दरबार राजकोट में लगाया, एक भाई साहब ज्यादा फुदक रहे थे, हमने ठोक दिया तीर बांध, फिर रात को वो रोते हुए आए, गुरु जी हमारी बेइज्जती हो गई, ठटरी के बरे काय को तो मुंह चला रहा हो तुम, सोते हुए नाग को क्यों जगा रहा, अपनी समस्या का समाधान ले और निकल जा, लेकिन अगर तुम ज्यादा फुदके के नहीं भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तो हमें भगवान ने बालाजी ने सिद्धि इसलिए नहीं दी कि हम किसी की बदनामी करें, हमें इसलिए दी है कि हम दूसरों की सहायता करें, और जो राम को नहीं मानते इस बल पर उन्हें मनवा करके बता दें। समझ गए आप, बोलो सीताराम, बागेश्वर धाम की। तो जो सनातन का विरोध कर रहे हैं अब वो सावधान हो जाओ, क्योंकि हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, और जो हिंदू हिंदू का विरोध कर रहा वो हिंदू नहीं है, झंझट खत्म। एक बात और सुना देते हैं, उतने गहरे घाव नहीं थे मजहब के आशियानों में, उतने गहरे घाव नहीं थे मजहब के अभिशापों से जितना जख्म हुआ सनातन को आस्तीन के सांपों से। जयचंदों ने ही तो बर्बाद किया है,
अंग्रेज का इतने दिन तक रह पाती, ये जयचंद ही तो टिकाए रहे। अब जयचंद हैं जिनको टेंशन है, इन जयचंदों की ठट दी। लेकिन चिंता ना करो, हम नहीं छोड़ेंगे। सब लोग मन में राम नाम का जप करो। अब लोग पूरे हो गए, पूरी बातें हो गई, अब दरबार शुरू करते हैं। हम जिनको बुलाएं उनको आना है बालाजी के चरणों में, जिनकी प्रेरणा हमें लगेगी हम उनको बुलाएंगे। मन में राम नाम का जप करना है। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर भैया थोड़ा डबलिंग कम करो यार। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर। अच्छा एक बात बताओ, पीछे आवाज आ रही एकदम लास्ट में, हाथ उठा के बताओ। आ रही। नहीं नहीं आ रही है, आ रही। तुम लोग बहुत समझदार हो, हम ही हैं बुद्धू। तो जय सियाराम। तो जिनको बुलाए उन्हें आना। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, हमारे पर्चे पर क्या लिख कर आया, आप वही बोलेंगे जो हमारे पर्चे पर लिखा होगा। आपकी क्षमता नहीं है कि पर्चे के बाहर बोल जाओ। और यही कलयुग में प्रत्यक्ष महिमा हनुमान जी की है। किसकी है बोलो, बोलो किसकी है? हमारी नहीं है। तुम हम पे श्रद्धा मत रखो, श्रद्धा रखनी ही है तो बागेश्वर बालाजी पर रखो। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। और पर्चा बने या ना बने, आपसे हम मिल पाओ या ना मिल पाओ, लेकिन जो जो यहां विराजमान है, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। और सामूहिक अर्जी के प्रभाव से, और घर पर जो लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधेगा, बागेश्वर धाम की पेशी महीने में एक बार, दो महीने में एक बार करेगा, बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाएगा। क्योंकि आज से ठीक 320 साल पहले बागेश्वर बालाजी स्वयंभू प्रकट हुए थे। हमारी तीन पीढ़ियों में दरबार चल रहा। हमारे ये जो दादा गुरु जी हैं, इस तरफ फोटो लगी, वो हमारे दादाजी हैं, ग्रैंडफादर सगे। इनके पास भी बालाजी की सिद्धि थी, हमसे ज्यादा खतरनाक। हम तो थोड़ा नॉर्मल हैं, ये बहुत समझ जाओ। अब गुरु तो गुरु होता है, तो गुरु जी के पास तो अद्भुत। तो पहले ये 40 साल तक दरबार लगाते रहे। इनके जो गुरु जी थे सन्यासी बाबा, जो अदृश्य हैं, वो भी दरबार लगाते रहे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़िया कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग बागेश्वर धाम पर रोते हुए आते हैं, यहां से हंसते हुए जाते हैं। खाली हाथ आते हैं और बागेश्वर धाम से झोली भरकर लेकर जाते हैं। ऐसी महिमा किसकी है? बागेश्वर। हम पर श्रद्धा नहीं रखना, मन में राम नाम जप करो। उन्हें सब पता है सबके बारे में। हम ना चमत्कारी हैं, ना हम कोई संत हैं, ना हम कोई बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, हम ना कोई महात्मा है, तुम्हारे जैसे साधारण इंसान हैं। बस इतना है कि हम बागेश्वर बालाजी के हैं, उन्होंने हमें चुना है। और हम तुमसे दान लेने नहीं आए, ना तुमसे हमें मान चाहिए, ना तुमसे हमें कोई सम्मान चाहिए। हमें तो बस तुम्हारे दिल में हनुमान चाहिए। हम चाहते हैं तुम्हें दर दर भटकना ना पड़े। हम चाहते हैं तुम्हें तांत्रिकों के चक्रों में ना पड़ना पड़े। हम चाहते हैं तुम्हें तथाकथित धर्मों में ना पड़ना पड़े। हम चाहते हैं तुम्हारी आंखों में अब आंसू ना रहे। और बालाजी की ऐसी करुणा है कि आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे, ये आशीर्वाद है। बोलो जय सियाराम। हमारे नाम से कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देनी है, ना आयोजक को, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, ना हमें दान की आवश्यकता है। हमें तो सिर्फ हनुमान की आवश्यकता है। हमारे तीन संकल्प हैं, जिसमें अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, कन्या विवाह भगवान की कृपा से हो ही जाता है। एक संकल्प और था, बुंदेलखंड में कैंसर रोगी ज्यादा होते हैं। हमने सोचा कि बुंदेलखंड में 50-60 लाख लोग रहते हैं, कैंसर हॉस्पिटल बन जाए। तो आज डॉक्टर साहब विजय जी और वो यतन मिले, बोले गुरुजी चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था हम लोग बनवाएंगे, बालाजी कृपा कर रहे हैं। अब हमको कोई काम नहीं है, ना हमको कोई जरूरत है, भगवान की कृपा से दो रोटी सुबह शाम मिल रही है। लोग बोलते कि आपके गुरुजी टेंशन क्यों नहीं होती, आप हंसते क्यों रहते? हम कर ना इनकम है ना दिन कम है। इधर ना इनकम है
ना दिन कम है, हमें टेंशन क्या की, टेंशन उनको है जिनके दिन कम है, जिनके इनकम है। बताओ, बोलो सीताराम, तो हमें टेंशन ही नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं है, इसलिए तो दिन ना रात हम हंसते रहते हैं। और फिर जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। दूसरी बात, आप लोग बताओ, एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक? जोर से बोलो, एक का या प्रत्येक का? हाथ उठाओ, प्रत्येक का कौन कौन चाहता है, हाथ उठाओ, जोर से बोलो, पक्का? तो शर्त सुनो, हाथ खड़े रखना। शर्त है तीन। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना, पहली शर्त। दूसरी शर्त, आज से जीवन भर के लिए सन्यासी बाबा के हो जाओ। तीसरी शर्त, टोटका चक्कर में मत पड़ना, हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ करना तुम प्रारंभ कर देना, और अगर तुम ये वचन हमें देते हो तो जाओ, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, आज से हमारे बागेश्वर बालाजी की समस्या है। कौन कौन जीवन भर के लिए बागेश्वर धाम से जुड़ना चाहता है? हम मिले या ना मिले, पर्चा बने या ना बने, पहला वचन तो यह है कि एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। अंग्रेजी में कहें तो आई प्रोमिस यू। हाँ, दूसरी बात, जब जब विपत्ति आएगी, अगर घर पर आप ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो अब आपकी समस्या आपकी नहीं, जब जब विपत्ति आएगी, जब जब संकट आएगा, हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन बनकर बगल में खड़े नजर आएंगे। एक व्यक्ति ने, पढ़े लिखे ने हमसे पूछा, क्या हनुमान जी से जुड़ने के बाद समस्याएं नहीं आती? हमने कहा बिल्कुल आती हैं, डबल आती हैं। फिर बोले जुड़ने का मतलब क्या? हमने कहा समस्याओं से लड़ने की क्षमता 10 गुनी आ जाती है। समस्याएं तो राम जी के भी जीवन में आई, अगर हम ये कहें कि नहीं आती तो मूर्खता, क्योंकि हम लॉजिकली जीते हैं, इन लॉजिकली नहीं। तीसरी बात, तुम्हारे पास अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहु सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाने दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। है बाली की त्रास कपी से बसे गिरी जात, महाप्रभु पंत निहारो, चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, कह दुज रूप लिबाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हमारे पास अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी क्या है? संकट मोचन। इसलिए उनका भजन करो। किसी को रोग है, बीमारी है, दवा काम नहीं करती, एक चौपाई का नोट कर लो, एक उपाय, कटोरी में गंगा जल रखो, लाल रंग के कपड़े में नारियल बागेश्वर धाम का घर पर बांध दो, और हनुमान चालीसा की पावरफुल चौपाई नोट करो, नासे रोग जपत निरंतर। इस चौपाई को 108 बार बोलो, 5 बार हवन कर दो, और फूंक लगाकर उस कटोरी के गंगाजल में रोगी को पिला दो, दवा काम करने लगेगी और 40 दिन में रिजल्ट निकलेगा। किसी मजहब में, किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता, भूत बाधा है, नेगेटिविटी एनर्जी से परेशान है, नकारात्मक ऊर्जा है, दुकान में, मकान में, शरीर पर, एक काले रंग का कपड़ा लो, 5 लौंग लो, एक बीज मंत्र है जो हमें सन्यासी बाबा ने दिया था, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, पुनः नोट करो, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोलकर रोगी को बांधो अथवा द्वार पर बांधो, कैसे भी हो भूत हमारे हनुमान जी हैं, राम जी के दूत, उनके चरणों को पकड़ो, भग जाएंगे सब भूत, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं। महावीर जब और देवता चित्त न हनुमत से ही, और देवता चित्त भी नहीं रखते, लेकिन एक हमारे हनुमान जी हैं जो सब सुख प्रदान दे देते हैं, क्योंकि कवन सुकाज कठिन जग
माही जो नहीं होह तात तुम पाही। ऐसे हनुमान जी के चरणों को छोड़कर तुम कहीं मत जाओ। और जाओ बड़ौदा के लोगों, तुम्हारा पर्चा बने या ना बने, वैसे तो अर्जी सबकी लगेगी, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। और बागेश्वर धाम का पागल कौन कौन हो गया जिंदगी भर के लिए? पक्का? जोर से बोलो, पक्का पक्का। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई हिंदुओं का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? संतों का अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में उल्टा बोलेगा तो घर से बाहर कौन कौन निकलेगा? अगर कोई हमारे राम पर अब उंगली उठाएगा या काल्पनिक कहेगा तो उनका करिया मुंह कौन कौन करवाएगा? पक्का पक्का पक्का? जोश में कि होश में? पक्का? तो जाओ, अब आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, अब तुम्हारी विपदाएं हमारे बालाजी की हैं। लो अब दरबार सुनो सीताराम, जो मंच पर हैं सब लोग वहां पहुंच जाएं, सिर्फ आयोजक दो लोग रहेंगे, बाकी आयोजन समिति सेवा में नीचे लग जाओ। एक बार आयोजक मंडल को ताली बजाकर धन्यवाद दीजिएगा, बहुत सुंदर व्यवस्था है। और प्रशासन भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं।